यानी प्रकाश का विवर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश के विवर्तन के लिए मैं आप लोगों को ध्वनि का विवर्तन के बारे में बता दूं। मान लीजिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं और साइड में कोई रूम है, ये मान लीजिए इधर दीवार है, दीवार है, इस दीवार के उस पर एक रूम है और ये जो दीवार है ध्वनि का मतलब ध्वनि जो है इससे आर पार नहीं जाता है, लेकिन ध्वनि जो है मूड करके दूसरे रूम में भी पहुंच जाती है। आप देखे होंगे अगर एक रूम में क्लास चल रही है तो उसकी आवाज जो है दूसरे रूम में चली जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड होता है। ठीक उसी प्रकार यहां पर डिफ्रेक्शन ऑफ जो लाइट है, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जो लाइट है बेंडिंग इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। तो आप लोग डेफिनेशन में पढ़े होंगे जब कोई प्रकाश जो है तीक्ष्ण अवरोध से मुड़ता है तो इस प्रकाश के मुड़ने की जो घटना है उसी को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। तो ये डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड जो है, साउंड के साथ साथ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, तो इसमें क्या क्या चीज लगती है? देखिए यहां पर स्लिट है, ये स्लिट जो है एक छोटा सा छिद्र है और उसके अंदर एक वर्णी प्रकाश है ना, जहां से लाइट निकलती है। ठीक, अब इस स्लिट का जो है स्ट्रक्चर कैसे भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। ये स्क्रीन है जहां पर स्क्रीन पर इस प्रकार आपको दिखाई देगा। अगर स्लिट जो है हम ऐसे करें है ना, और इसकी जो है स्लिट देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई ये कर दे, तो इस टाइप का स्लिट हो सकता है जिसमें आप स्लिट जो है स्फेरिकल शेप या इस टाइप का स्लिट भी आप ले सकते हैं। स्लिट का मतलब होता है छोटा सा छिद्र या अवरोध। जब इस प्रकार का अवरोध होता है तो ये छोटी सी छिद्र होता है जहां से क्या होता है लाइट जो है निकलती है ना, तो इसको क्या कहते हैं स्लिट। स्लिट आप प्रैक्टिकल लैब में आप देखेंगे, अगर रूम बंद है तो खिड़की के जो ज्वाइंट है वहां से एक लाइट थोड़ा सा बाहर, अगर रूम के बाहर में है तो वहां पर लाइट आपको दिखाई देता है, उसी को कह सकते हैं आप स्लिट। तो स्लिट में क्या होता है, एक प्रकाश बल्ब जो है अंदर बंद रहता है, अंदर से प्रकाश आती है और एक तीक्ष्ण अवरोध से जब वो मुड़ जाती है तो मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। देखिए यहां पर जो लाइट है सोर्स है, अब ये स्क्रीन है, ये आपका स्लिट है। जब इस स्लिट जो है इस आकृति का है, मान लीजिए इसका जो डायमीटर है काफी कम है और इस टाइप का हाइट है देखिए, और जब इससे जब प्रकाश निकलती है तो देखिए प्रकाश जब निकलती है तो इस प्रकार का आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब अगर हम इसके जगह पर इस टाइप का स्लिट लगा दें तो देखिए जब हम इसके जो आकार है देखिए इस टाइप का कर दे तो यहां पर लाइट ऑन किए, यहां पर एक स्लिट है, स्लिट से जाता है तो स्क्रीन पर इस प्रकार का आपको इंटरफेरेंस दिखाई देता है। ठीक है, और जब हम इस इंटरफेरेंस को आप देखेंगे तो आप जो है इस प्रकार आपको दिखाई देगा, मतलब इंटेंसिटी जो है कम ज्यादा आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है, ये दीप्त फ्रिंज कहलाता है और फिर ये अधिकतर फ्रिंज है, फिर दीप्त फ्रिंज है और धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाता है, मतलब जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। इस प्रकार के फिनोमिना को क्या कहते हैं? डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट।